ओके, तो क्वेश्चन है द एज ऑफ ए 6 ईयर अगो वाज इक्वल टू द एज ऑफ बी 18 ईयर्स अगो एंड द एज ऑफ ए 18 ईयर अगो वाज इक्वल टू द प्रेजेंट एज ऑफ सी। इफ डी इज 8 ईयर्स ओल्डर देन सी देन बी इज हाउ मच ओल्डर और यंगर देन डी। ठीक है, तो जो जो बोला है इसको आप करते चले जाइए। तो एज ऑफ ए 6 ईयर अगो, ए का कोई एज था 6 साल पहले, ठीक है, वाज इक्वल टू द एज ऑफ बी 18 ईयर अगो, यानी कि बी का कोई एज था, ठीक है, उससे 18 ईयर्स अगो उसके इक्वल है। ठीक है, ये तो हो गया। अब सेकेंड क्या बोल रहा है, एज ऑफ ए 18 ईयर्स अगो, ए का कोई एज था 18 साल पहले, ठीक है, ये किसके इक्वल था, प्रेजेंट एज ऑफ सी, यानी कि अभी प्रेजेंट एज सी का सी चल रहा है, कोई एज होगा उसके बराबर है। अब डी का क्या बोल रहा है, डी इज 8 ईयर ओल्डर देन सी, ठीक है, यानी कि ये सी का अभी प्रेजेंट एज है, इससे 8 ईयर ओल्डर ये किसके बराबर होगा, डी के बराबर होगा। ओके, अब फिर से लिख लो ए बी सी एंड डी। ओके, ए का अभी करेंट एज कितना चल रहा है, ए, ठीक है, बी का कितना एज चल रहा है, अगर इसको ए के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा जाए, ठीक है, तो 18 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस 18 हो जाएगा, प्लस 18 से 6 गया तो 12 हो जाएगा, यानी कि ए प्लस 12। ओके, सी का क्या एज लिख सकते हैं हम लोग, ए माइनस 18। ओके, एंड डी का क्या एज लिख सकते हैं, सी प्लस 8। ठीक है, अब सी का क्या वैल्यू है, ए माइनस 18 है सी का वैल्यू, प्लस 8, यानी कि प्लस 8। ओके, तो कितना हो गया, ए माइनस 10 हो गया। ओके, तो ये हम लोग का पूरा, आप देखिए ए के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग का पूरा ये बन गया है। ठीक है, अब ए का कुछ भी वैल्यू मान लो, चलिए 20 साल मान लेते हैं, आप चाहे तो 30 मान सकते हैं, 40 मान सकते हैं, 50 मान सकते हैं, जो भी मान सकते हैं, उस सब में आंसर सेम आएगा। जैसे हम लोग मानते हैं 20। ओके, तो ए बी का एज कितना हो गया, 32। ए का कितना हो गया, सी का कितना हो गया, 2, एंड डी का कितना हो गया, 20 से 10 गया तो 10। ओके, इतना हो गया। अब हम लोग को निकालना है बी इज़ हाउ मच ओल्डर और यंगर देन डी। तो बी, ये बी का एज है, ये 10 है, तो कितना अधिक है, 22 ईयर्स अधिक है, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया हो। और चलिए, अगर जो लोगों को थोड़ा डाउट है, इसका कोई और वैल्यू हम लोग मान के देखते हैं। ठीक है, सपोज करते हैं, लेट से 20 की जगह मानते हैं 30। ओके, तो ये 30 मान लिए, तो ये कितना हो गया, 42 हो गया, ये कितना हो गया, 30 से ये गया तो 12 हो गया, ये कितना हो गया, 20 हो गया। अब देखिए, अब अगर इनके बीच का डिफरेंस निकाल तो कितना हो गया, तो आंसर आप जो भी मानिए, आंसर आपका 22 ही आएगा। ओके, तो आई होप ये आपको समझ में आया है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।